कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 19 फरवरी को मथुरा में सोंक रोड पाली खेड़ा में किसान पंचायत को संबोधित करेंगी। इसे लेकर कांग्रेस नेताओं द्वारा कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा के मथुरा आगमन की तैयारी के संबंध में कांग्रेस विधान मंडल के पूर्व नेता प्रदीप माथुर ने जानकारी दी। साथ ही भाजपा सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार की नीतियों पर हमला बोला। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा 19 फरवरी को मथुरा में आ रही हैं। ऐसे में कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रियंका गांधी के कार्यक्रम की पूरी तैयारियां की जा रही हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधानमंडल के पूर्व नेता और मथुरा वृंदावन विधानसभा के पूर्व विधायक प्रदीप माथुर साहब। प्रियंका गांधी का 19 फरवरी को मथुरा में दौरा है, क्या उनकी रणनीति है, क्या उनकी सभा है, क्या तैयारियां हैं उनके दौरे? देखिए, इस भारतीय जनता पार्टी और मोदी लेड गवर्नमेंट में किसानों ने, पूरे देश के किसानों ने 3 काले किसान विरोधी कानूनों को वापस लेने के लिए धरना पिछले 72 दिनों से दिल्ली में कर रखा है और मोदी सरकार के कानों पे जू भी नहीं रेंग रही। लगभग 11 दौर की वार्ता के बाद उन्होंने कहा किसानों से कि जो चाहो करो और चाहो कोर्ट में जाओ, हम तो अपने स्टेटस क्यो रखेंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, आप धरने पे बैठे रहो। अब आप ये देखिए कि एक हद होती है, परिकाष्ठा होती है किसी आंदोलन को बर्दाश्त करने की भी। लोकतंत्र है, आप किसी आंदोलन को दबा नहीं सकते, कुचल नहीं सकते। और ये लोग ये भूल गए हैं कि अन्ना हजारे के आंदोलन करके ही ये लोग सत्ता में वापस हुए थे। इसी परिपेक्ष में हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में किसान पंचायतों का आगाज शुरू किया है और पहली किसान पंचायत उन्होंने सहारनपुर में करी और वहाँ उन्होंने शाकुंभरी देवी के दर्शन किए। इसके बाद वो अब अगली पंचायत वो मेरठ में करने जा रही हैं, फिर उसके बाद मुजफ्फरनगर में करने जा रही हैं, बिजनौर में करने जा रही हैं और फाइनली मथुरा में 19 तारीख को उनका आगमन है और उसके लिए तमाम सक्रियता के साथ कांग्रेस लगी हुई है। ज़िला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे साथी और भाई महेश पाठक जो AICC के मेंबर हैं, वो, मैं स्वयं और सारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष और पदाधिकारी और PCC मेंबर्स, AICC मेंबर्स एक तरफा तरीके से जुट गए हैं कि 19 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा किसान और तमाम शहर के व्यक्ति, पूरे मथुरा जनपद के व्यक्ति और महिलाएं, नौजवान आके उनके भाषण को सुने। तैयारियां जोरों से शुरू हैं और आपने को ये भी बता दूं कि राष्ट्रीय पदाधिकारियों का भी पदार्पण होने शुरू हो गया है और इस कार्यक्रम में तमाम कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता भाग लेंगे और वो इसे आकर शोभा बढ़ाएंगे। हम तैयारी के लिए, हमने पालीखेड़ा, जो कि अब नगर निगम क्षेत्र का गाँव ही मैं कहूँगा, मंडी समिति से लगभग 2.25 किलोमीटर दूर है, पेट्रोल पंप के सामने एक बड़ा मैदान है, लगभग 1.25 लाख स्क्वायर फीट का एरिया का है, उसकी में काम शुरू हो गया है, मंच बनना शुरू हो गया है, बैरिकेडिंग लगनी शुरू हो गई है, बस इंतज़ार है तो प्रियंका गांधी जी का। प्रियंका गांधी जी आगाज़ करेंगी किसानों के लिए कि वो सजग रहें, इस सरकार पर भरोसा ना करें। मोदी की सरकार ये जुमलेबाजों की सरकार है, झूठ बोलने वालों की सरकार है, सवाल किसान विरोधी सरकार है। कहीं कहीं प्रियंका गांधी अब ये पंचायत कर रही हैं, कहीं देर नहीं मानती इस बात को कि 80 दिन धरने पर हो गए किसानों के साथ में, उससे पहले कांग्रेस खुलकर मैदान में कहीं नहीं दिखी? अरे, आपको शायद नहीं पता होगा कि जब ये आंदोलन चल रहा था तो हमारे यूथ कांग्रेस के वर्कर्स आंदोलनकारियों को भोजन करा रहे थे। ये किसके इशारे पे हो रहा था? प्रियंका जी और राहुल जी और सोनिया जी के इशारे पे। लेकिन खुल के मैदान में, खुल के मैदान, सुन तो ये, हमारे नेता दीपेंद्र हुडा वहाँ पे बराबर संपर्क में थे, बराबर गए। राकेश टिकैत जी से पहले पंजाब के किसानों से बराबर मिलते रहे, हरियाणा के किसानों से मिलते रहे, हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी स्वयं गए और राहुल जी तो रोज पार्लियामेंट में और अदरवाइज खुल के बोलते रहते हैं। राहुल जी भी पार्लियामेंट में अभी मैदान में उतरे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2 महीने बाद अब खुलकर पंचायतें कर रही है कांग्रेस, पहले फ्रंट पर क्यों नहीं दिख रही? देखिए, किसानों को पता है कि फ्रंट पर कौन सी पार्टी उनको समर्थन दे रही है, क्योंकि किसान पहले नहीं चाहते थे कि इस पर्टिकुलर
आंदोलन को किसी सियासी पार्टी का संरक्षण मिले, और किसान भाइयों ने ही मना कर दिया था कि इसे राजनीतिक का मंच ना बनाया जाए, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने भी इस बात को माना और उसे सियासी रंग देने की कोई कोशिश प्रयास नहीं किया गया, और हम लोगों ने अपने आप को दूर रखा। हम लोग जो किसान पंचायत कर रहे हैं, हमारी जो पार्टी कर रही है, वो हर जिले में जा रहे हैं और अपने जो किसान धरने पर बैठे हैं दिल्ली में, और जिन्होंने अनाउंस किया कि हम बैठे रहेंगे धरने पर जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं हो जाते, तो उनके समर्थन में हम जिले जिले में पंचायतें कर रहे हैं और किसानों को बता रहे हैं कि क्या 3 काले कानून है, किस तरह से पूंजीपतियों का साथ ये सरकार दे रही है, किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह जिस तरह देश को गुलाम भारतवर्ष के लोगों को किया था अंग्रेजों ने, उसी तरह इन पूंजीवादी ताकतों को भारतीय जनता पार्टी समर्थन देगा। सरकार का ये कहना है कि जो असल किसान है वो कहीं प्रदर्शन में नहीं दिख रहा है। अगर सही मायने में असल किसान की कोई पीड़ा होती तो अब तक पूरे देश का किसान सड़कों पर होता। देखिए, ऐसा होता है, सावन के अंधों को हरा ही हरा नजर आता है, अभी उनको पूंजीपति नजर आ रहे हैं, अडानी अंबानी नजर आ रहे हैं, उनको किसान नजर नहीं आ रहे। इन्हीं किसानों ने मोदी जी की सरकार को बनवाया था और आज वही किसान विरोध में चले गए। आपको ये पता होना चाहिए कि 200 से ज्यादा किसान अपनी शहादत 0 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में इन सर्द हवाओं के बीच में खुले मैदान में बैठकर ये आंदोलन कर रहे हैं, और ये निष्ठुर सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही। वो उसके लिए तो एक विदेश में कोई घटना हो जाती है, 4-5 लोग मारे जाते हैं, मोदी जी उसके लिए तो संवेदना प्रकट कर रहे हैं। और ये किसानों के जो लगभग 207 किसान जो शहीद हुए उनके लिए मौन धारण कर रखा है। इसके अतिरिक्त कल जब राहुल जी भाषण दे रहे थे पार्लियामेंट में, तो उन्होंने 2 मिनट के लिए मौन रखने के लिए सबसे कहा, तब भारतीय जनता पार्टी के सांसद शोर मचा रहे थे और उन पे किसानों की शहादत का कोई असर नहीं था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का हाथ इन किसानों के साथ नहीं है, वो तो पूंजीपतियों की पार्टी पहले थी और आज भी है। प्रियंका गांधी 19 फरवरी को मथुरा आ रही हैं, ऐसे में कितनी भीड़ का आग्रह उनकी पंचायत में आप कर रहे हैं, कितनी भीड़ जुटाने की क्षमता है कांग्रेस में? देखिए, कांग्रेस में जबरदस्त क्षमता है, और कांग्रेस में ये तो वक्त की बात समझ लीजिए, एक जमाने में पूरा राज कांग्रेस का पूरे जनपद में रहा, परंतु अब लोग भारतीय जनता पार्टी से और अन्य दलों से उकता चुके हैं। इतनी महंगाई, डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम सातवें आसमान पे, गृहणियों का किचन का बजट बिल्कुल फेल हो गया, बेरोजगार नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देने वाली सरकार किसी को रोजगार नहीं दे पाई, कोरोना पीरियड में आपने देखा कितने लोग प्रवासी मजदूर लोगों ने पैदल अपने घरों पर जाने के लिए यात्राएं करी, उनके लिए टस से मस नहीं हुई सरकार। 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात करी, वो 20 लाख करोड़ कहाँ है? मिनिमम उद्योगों की बात करते हैं MSME की, उसमें लॉलीपॉप दे देते हैं आपकी फाइनेंस मिनिस्टर। सारी जनता मान चुकी है कि जुमलेबाजों की पार्टी है। नोटबंदी ने देश को बर्बाद कर दिया, GST ने लोगों को बर्बाद कर दिया, कोरोना ने लोगों को बर्बाद कर दिया, और इनके बजट ने लोगों को बर्बाद कर दिया। क्या माना जाए कि प्रियंका गांधी की जो ये किसान पंचायत हो रही है, ये उत्तर प्रदेश में 2020 के चुनावों का आगाज माना जाए, तैयारी मानी जाए? बिल्कुल यही समझ लीजिए, हम वैसे इस मामले को चुनाव के लिए नहीं तैयार कर रहे हैं, हम किसानों के लिए ये बात कर रहे हैं। किसानों की के साथ कंधे से कंधा मिला के पार्टी खड़ी हुई है, उनके संघर्ष में हम साथ दे रहे हैं। अभी तो इलेक्शन दूर की बात है, 2022 में है, अभी तो 2021 की शुरुआत है, चुनाव तो 6 महीने पहले रंगत लाता है, अभी तो किसानों की बात प्रियंका जी करें। किसानों की बात है, लेकिन प्रियंका जी की जब बात हो रही है, तो जिस तरीके से प्रियंका जी की एंट्री जब पॉलिटिक्स में हुई थी, तो उत्तर प्रदेश में एक अच्छे नए चेहरे के लिए माना जा रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी प्रियंका जी का असर दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, ऐसा नहीं है, प्रियंका जी अभी तक खुल के नहीं आई थी। अब आपने देखा होगा, जब इस भारतीय जनता पार्टी और योगी जी की सरकार में जब महिलाओं की अस्मिता सुरक्षित नहीं रही, हाथरस में एक बच्ची के साथ इस तरह का बलात्कार होता है, और उसको शेड्यूल कास्ट बच्ची के साथ, फिर उसकी लाश को जबरन जला दिया जाता है, मार दी जाती है, तब आप देख सकती थी दूसरी प्रियंका गांधी को,
दूसरे राहुल गांधी को, आपने सड़कों पर प्रियंका जी को संघर्ष करते देखा, आपने राहुल जी को संघर्ष करते देखा आतंक के मुद्दे पर। मैं आपको वही बता रहा हूँ, क्या इस तरह घटना का इंतजार करती है? नहीं नहीं, क्यों करती है? लगातार वो उनके कार्यक्रम लगे रहते हैं, रोज उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं प्रियंका जी होती हैं। अब क्या करें, आपके चैनल पे मुझे कहने में आपत्ति नहीं होगी, जब मीडिया दिखाता ही नहीं है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, जब मीडिया की मजबूरी हो जाती है तब वो दिखाता है, वरना तो मोदी जी, अमित शाह और रामदेव नजर आते हैं। ऐसा नहीं है, राहुल जो आप देखिए, जितना एग्रेसिवली दिखाना चाहिए विपक्ष को, ये चौथे लोकतंत्र के स्तंभ को भी हिलाने की साजिश हो रही है। ये बात आप लोग बाद में समझेंगे जब पानी सिर से निकल जाएगा। खैर, ये बात तो जब समझ में आ जाएगी, सबकी आई तो हमारे में भी आएगी। एक अब सवाल प्रियंका गांधी की पंचायत का है, तो अभी संगठन को लेकर भी कुछ ऐसी चर्चा है कि कांग्रेस मथुरा संगठन में भी कहीं न कहीं कह सकते हैं कि फाड़ पड़ी हुई है। नहीं नहीं, कोई फाड़ नहीं है, सब एक है। हिसाब से देखा जाए तो कहीं कहीं पंचायत प्रभावित हो सकती है? नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। पंचायत बखूबी बड़ी कामयाब पंचायत होगी, आप देखेंगे कम से कम लाखों की भीड़ होगी और खचाखच वो मैदान भरा होगा। जब घर का मुखिया आता है तो पूरा घर एक हो जाता है। हमारी मुखिया आ रही है, कोई मनभेद और मतभेद नहीं है, और सारे जो भी किसी तरह की कंट्रोवर्सी जो लोग फैला रहे हैं वो गलत है, किसी तरह का इंटरनल विवाद नहीं है। हमारी रैली को गोवर्धन पर्वत की तरह सारे कांग्रेसी अपना अपनी लठियां लगा के इस पर्वत को उठाने के लिए तैयार खड़े हैं, इंतजार हो रहा है प्रियंका गांधी जी। धन्यवाद बातचीत में साथ रहे कांग्रेस विधान मंडल के पूर्व नेता प्रदीप माथुर साहब। 19 फरवरी को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मथुरा में अपनी किसानों की महापंचायत में भाग लेंगी। उसका वेन्यू डिसाइड कर लिया गया है, पंचायत का जो स्थल है वो पालीखेड़ा पेट्रोल पंप के सामने मैदान पर तैयारियां शुरू की जा रही हैं। अब देखना होगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा की ये पंचायत कितनी सफल हो पाती है। बहरहाल कांग्रेस के नेता पूरी ताकत के साथ तैयारियों में जुटे हुए हैं। न्यूज़ पर्सन संतोष सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।